उमेश पाल हत्याकांड में आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिन हथियारों से उमेश पाल और दो सरकारी गनर की हत्या की गई थी, उन हथियारों की एफएसएल रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट से साफ हो गया है कि जिन हथियारों से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और अतीक के कार्यालय से जो हथियार बरामद हुए थे, वो सब वही असलहे थे। उमेश पाल की हत्या के बाद शूटरों ने इन हथियारों को अलग अलग जगहों पर बैग में छुपाया था, जिसमें दो बैग तो पुलिस को मिल गए थे, जबकि तीसरे हथियारों वाले बैग को पुलिस तलाश कर रही है। 24 फरवरी को उमेश पाल पर अतीक के बेटे और उसके शूटरों ने गोलियों की बौछार करके मौत के घाट उतार दिया था। इस वारदात में दो सरकारी गनर को भी गोली मारी गई थी, जिससे दोनों गनर भी मारे गए थे। वारदात में माफिया अतीक के बेटे और अतीक के शूटर गुलाम ने विदेशी कोल्ड पिस्टल का इस्तेमाल किया था। उमेश पाल के शरीर और एक गनर के शरीर में जो गोली मिली, वो भी इसी कोल्ड पिस्टल से निकली गोली ही थी। एफएसएल की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। इसके अलावा मौकाए वारदात में जो कारतूस के खोखे पाए गए थे, वो अतीक के ड्राइवर अरबाज और शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान के एनकाउंटर के दौरान बरामद पिस्टल से मैच कर रहे हैं। बैलिस्टिक रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई है। हत्याकांड के बाद इन हथियारों को अलग अलग जगह छुपाया गया था, जिसमें असलहों की एक बड़ी खेप अतीक के कार्यालय से बरामद हुआ था, जबकि दूसरी खेप अतीक अशरफ ने रिमांड के दौरान बरामद कराया था।